गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 21 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं इसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे ताकि आप ये असेस कर सकें कि जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा या हिंदू एनालिसिस देखा है उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर तो कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम बीम्स प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एमसीक्यू एनएचआरसी के ऊपर है, देन गिलगित बल्तिस्तान रीजन के बारे में भी एमसीक्यू है, एयर बबल के बारे में डिस्कस करेंगे, कोविड 19 का इंपैक्ट चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर देखेंगे, सीरियल इंटरवल जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में देखेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, एयर क्वालिटी एनसीआर के अंदर भी एक क्वेश्चन है, देन सोमालिया के बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है कंटेंट क्रिएटर और हिंदी ट्रांसलेशन के लिए दी हैं और ये वेंसडे तक आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम उन्हें असेस करना शुरू करेंगे एंड देन विल कॉन्टैक्ट यू कि आप में से किन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो कंटेंट क्रिएटर बाइलिंगुअल के लिए और हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आप चाहें तो वेंसडे तक, मतलब 3 दिन और आपके पास है, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। netmokprep@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं या फिर जो कंटेंट सैंपल होगा, अगर आपके पास कंटेंट सैंपल है रिटर्न के अंदर, राइटिंग में आपने कुछ किया है या फिर अगर आपके पास कोई वीडियो अवेलेबल है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। जो नए मेंबर्स हैं उनको वेलकम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्वाति ने, प्रिंसेस ने, भाविका ने हमें ज्वाइन किया है। मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते ही हैं, आपको 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है। 6 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं और लेस देन 6 अगर ठीक करते हैं तो आप डेंजर जोन में रहते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करें। लेस देन 6 भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा अगर 0 भी स्कोर करते हैं तो, और दोबारा से उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा और फिर जो नया आपका स्कोर आता है उस पुराने वाले कॉमेंट में जो स्कोर किया है उसे एडिट कर दीजिएगा। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बीम्स प्रोग्राम को लेके है। पूछा गया कि बीम्स प्रोग्राम किससे एसोसिएट करता है, क्या ये कंस्ट्रक्शन परमिट से एसोसिएट करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एसोसिएट करता है, बीचेस से एसोसिएट करता है या फिर बेसिक इकोसिस्टम सर्विसेज से एसोसिएट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बताया कि हमारे यहाँ पे 8 बीचेस जो हैं उसको रिकग्नाइज किया गया है। 8 बीचेस को जो ब्लू फ्लैग बीचेस हैं उसके अंदर रिकग्नाइज किया गया है और इसी वजह से बीम्स प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये एक इको लेबल है, इट्स एन इको लेबल बीम्स, और इसे हमने ही, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इंडिया का अपना एक इको लेबल लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया बीम्स, बीम्स का मतलब है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। तो ये उसकी फुल फॉर्म है, बीच एनवायरमेंट एस्थेटिक्स एंड मैनेजमेंट सर्विस, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और ये जो लॉन्च किया गया ये ICZM, दैट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। किससे एसोसिएट करता है, ये बीचेस से एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे ई लेबल हम अपनी बीचेस को देना शुरू करेंगे और बाद में फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने में भी उनको आसानी होने वाली है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल को लेके जो कि रिसेंटली लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। तो ये जो रिसेंट हमारा बिल है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, इसे रिसेंटली पास किया गया। पूछा गया कि इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है, इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर्स टू नाबार्ड। तो जो रिस्क है किसका, मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, जो अभी तक फार्मर्स फेस करते थे, उसको नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस रिस्क को। हो सकता है इट विल एनेबल द फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर इनपुट्स। तो बेटर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेटर इनपुट्स जो है वो फार्मर्स को इसके अंतर्गत मिलेंगे। थर्ड, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंप्रूव इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम होगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर बिल है, काफी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जो 2-3 अभी फार्मर से रिलेटेड बिल जो है पास किए गए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा, उसको देख के आप इन सभी बिल्स के प्रोविजन, इनके प्रोस कॉन्स प्लस माइनस जो है वो समझ सकते हैं। यहां पे ये जो पर्टिकुलर रिसेंटली बिल पास किया गया है, ये फार्मर्स को यस मॉडर्न टेक्नोलॉजी देगा और बेटर इनपुट देने में भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो फार्मर्स का रिस्क है, जो मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो रिस्क है, वो कहां पे, वो फार्मर से ट्रांसफर होके जो स्पॉन्सर्स होंगे उनके पास चला जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है, नाबार्ड के पास नहीं जाएगा, स्पॉन्सर्स के पास जाएगा। एट द सेम टाइम यहां पे जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम होने वाली है और इस वजह से
जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मार्केटिंग की जो कॉस्ट पहले देनी पड़ती थी वो अब रिड्यूस हो जाएगी और फार्मर्स की इनकम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इस वजह से आंसर सी हो जाएगा। इसके जो प्रोविजंस है वो डीपली हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आई थिंक परसों जो है रिलीज कर दिया जाएगा उसमें आप देख लीजिएगा कि किस किस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, किस किस एरिया में हो रही है और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अलावा आप जो PIP.gov की मैंने आपको लिंक दिए इस पे जाके इस पर्टिकुलर बिल के बारे में पढ़ना चाहें तो सारे प्रोविजन जो है वो आप इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं, और PIP पे है तो आप इन जो भी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे उस पर रिलाई भी कर सकते हैं, सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। पूछा गया NHRC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से कंसर्निंग आर्टिकल दिया गया था तो इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। तीन स्टेटमेंट NHRC को लेकर दी गई है। पहली कहती है इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, हो सकती है। द चेयरपर्सन इज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड CJI होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। थर्ड, द अपॉइंटमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, चेयरपर्सन की बात करें तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, इसी वजह से पहली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6-member committee। तो ये जो चेयरपर्सन अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं और एक 6-member committee जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है। उस 6-member committee के अंदर क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं? नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते। आंसर हमारा हो जाएगा डी। उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि उस कमेटी के हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन उसके बाद होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन नहीं आएगा यहाँ पे, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं। देन इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, बोथ द हाउसेस के अंदर जो होते हैं वो राज्यसभा में भी होंगे लोकसभा में भी होंगे, तो यहाँ पे लोकसभा वाले हो गए और ये राज्यसभा वाले लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। देन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये 6-member की कमेटी होती है जो कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि किसको यहाँ पे चेयरपर्सन बनाना है और फिर ये अपॉइंटमेंट करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। NHRC न्यूज में थी, वैसे तो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है लेकिन करंट में आया हुआ है इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान को लेके हैं। डेफिनेटली आप न्यूज़ में देख रहे होंगे गिलगित बल्तिस्तान से लेके काफ़ी जो न्यूज़ है वो अपीयर हो रही है और यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेकर और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिस थ्रू दिस रीजन, CPEC जो है वो इस रीजन से पास करता है। सेकेंड, द रीजन इज होम टू 5 of the 8,000s एंड टू मोर देन 50 peaks अबाउट 7,000 meters। यहाँ पे माउंटेन पीक्स की बात करी गई है तो यहाँ पे जो 8,000 मीटर से ऊंचाई के ज्यादा आपके माउंटेन्स है जो माउंटेन पीक्स है वो यहाँ पे लोकेट करती है और मोर देन 7,000 meters से ज्यादा ऊंचाई की जो पीक्स है वो यहाँ लोकेट करती है। थर्ड, 3 of the world's लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन आर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान। अगर हम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स की बात करें पोलर रीजन के बाहर तो 3 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार मैप पे देख लेते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है आपका ये तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK है उसका इंटीग्रल पार्ट है तो दिस एट प्रेजेंट फॉल्स इन POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देयरफॉर यहाँ पे पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है इसको फुल फ्लेश प्रोविंस का स्टेटस देने का, इसको अपना 5th province बनाने की जो कोशिश करी गई है ये जो है काउंटर करी गई है इंडिया के द्वारा। यहाँ पे कोशिश क्या करी जा रही है इसको प्रोविंस बना के यहाँ पे पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो CPEC है वो इस रीजन के थ्रू चला जाए। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के इस पर्टिकुलर रीजन के जो रिसोर्सेज हैं इवन वाटर जो रिसोर्स है वो भी किसको दे दिया गया, वो भी चाइना को दे दिया गया यूज करने के लिए। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो एवरीडे बेसिस पे आप न्यूज में पढ़ते ही हैं इस रीजन के अंदर जो करे जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन से होकर जाता है तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, जो हाईएस्ट पीक्स है वो भी यहाँ पे पाई जाती है, जो यहाँ पे 5 पीक्स है जिसकी ऊंचाई 8,000 से ज्यादा है वो यहाँ पे
नदियाँ मिलती हैं और जो सात से ज़्यादा वाली है, मोर देन 50 यहाँ पाई जाती हैं। और 3 ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है जो आउटसाइड पोलर रीजन है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, जो एंटायर यूटी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का रीजन जो है वो इंक्लूडेड है, देयरफॉर इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एयर बबल के बारे में है, पूछा गया एयर बबल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है एयर बबल इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू रीस्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट। तो कमर्शियल फ्लाइट्स को रीस्टार्ट करने के लिए एक तरीके का टेम्परेरी अरेंजमेंट है दो कंट्रीज के बीच में। सेकेंड, ऑल डेवलप्ड नेशंस हैव अग्रीड ऑन दिस अग्रीमेंट, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को लेकर, एयर बबल के अग्रीमेंट को लेकर उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया है। सोचिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एयर बबल क्या है, एयर बबल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है दो कंट्रीज के बीच, मान लीजिए ये कंट्री वन है ये कंट्री टू है, टू रीस्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट सर्विस एट अ टाइम व्हेन रेगुलर फ्लाइट्स जो है वो नहीं चल रहे, कोविड 19 की वजह से आपको पता है रेगुलर फ्लाइट अरेंजमेंट जो है वो नहीं चल पा रहा है। तो दो कंट्रीज यहाँ पे अगर अरेंजमेंट कर लेते कि इनकी फ्लाइट्स यहाँ जा सकती हैं एंड देन देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ दैट, तो ये जो है एक एयर बबल कहलाएगा, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कहलाएगा दो कंट्रीज के बीच में, ताकि कमर्शियल फ्लाइट्स को रीस्टार्ट किया जा सके। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो एयर बबल जो है 13 कंट्रीज के बीच में फाइनलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे सभी डेवलप्ड नेशन ने इसे अग्री नहीं किया है। इंडिया एंटर्ड इनटू एयर बबल विद यूएस, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस अर्लियर, द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव बीन एडेड रिसेंटली। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, और डेस्टिनेशंस भी ऐड करी जाएंगी, और डेस्टिनेशंस के अलावा और कंट्रीज भी धीरे धीरे ऐड करी जाएंगी जैसे जैसे कोविड का खतरा कम होता जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि एक दूसरी कंट्री, मतलब जैसे इंडिया, यहाँ पर इंडिया चाहती है कि यूएस, यूके, जर्मनी के साथ हमारा जो एयर बबल है वो बन जाए, मतलब हमारी फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स वहां जा पाए और वहां से जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो हमारे यहाँ पाए, और यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली लेने ही पड़ेंगे। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, सेकेंड इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, तो जो दो कंट्रीज के बीच में फ्लाइट्स का आवागमन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की सीरीज आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ली है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर प्रीलिम्स, और इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो पूरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है उसको हमने एमसीक्यू के थ्रू कवर किया है, ताकि प्रीलिम्स के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि प्रीलिम्स के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर पाए। तो जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहली कहती है अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन चिल्ड्रन ऑलमोस्ट 24 मिलियन चिल्ड्रन को ड्रॉप आउट, तो 24 मिलियन के आसपास जो चिल्ड्रन है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं एज पर द यूएन रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द एनएसए रिपोर्ट ऑन एजुकेशन नियरली 4% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड एंड 23% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड पोजेस कंप्यूटर्स, तो 4% रूरल हाउसहोल्ड और 23% अर्बन कंप्यूटर को पोजेस करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है बोथ प्राइवेट स्कूल्स को एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स को इन दिल्ली कि वो गैजेट्स और इंटरनेट पैकेजेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पुअर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि पुअर स्टूडेंट्स के पास क्या है कि टेलीविजन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो एजुकेशन है वो अपनी वो कैसे कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो लेके आ रहे हैं तो कम से कम जो बेसिक सामान है वो तो उनको दो, तो यहाँ पे पुअर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए बेसिक गैजेट्स और इंटरनेट देने की बात करी गई है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे जो सर्वे है वो किया गया 15 से 29 साल के लोगों का, और ये पाया गया कि जो कंप्यूटर्स है वो 4% रूरल हाउसहोल्ड के पास है और 23% अर्बन हाउसहोल्ड के पास है, बिल्कुल ठीक है, और 24% रूरल एरियाज के जो लोग हैं और 56% अर्बन एरियाज के लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट सीरियल इंटरवल, सीरियल इंटरवल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली कहती है इट्स द गैप बिटवीन द ऑनसेट ऑफ कोविड 19 सिम्टम्स इन पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में जो गैप होता है जब कोविड 19 सिम्टम्स जो वो स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं सीरियल इंटरवल, हो सकता है। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल्स, तो विलियम पिकल्स जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन है उन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज किया था। थर्ड, द सीरियल इंटरवल प्रिवेंट्स गेजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इन्फेक्शन कंट्रोल को जो इसकी इफेक्टिवनेस है इन्फेक्शन कंट्रोल की उसको मेजर करना है, सीरियल इंटरवल इस चीज को प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें बताया गया कि चाइना जो है उसने अपने जो कोविड-19 के जो केसेस है उसको जो कंट्रोल किया है उसके पीछे एक मेजर रीजन जो है वो है सीरियल इंटरवल का। बेसिकली सीरियल इंटरवल क्या होता है? सीरियल इंटरवल होता है कि जो एक पर्सन है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जो शुरू होते हैं और फिर सेकंड पर्सन के जो सिम्टम शुरू होते हैं इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना इसे कहते हैं आप सीरियल इंटरवल। सो इट्स अ गैप बिटवीन ऑनसेट ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स पहले पेशेंट के अंदर एंड सेकंड पेशेंट के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। यहां पे क्या ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल्स ने इस टर्म को यूज किया था तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और बात करी जाए द सीरियल इंटरवल जो है प्रिवेंट करता है गेजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। नहीं, देखिए जो इन्फेक्शन कंट्रोल होता है ना उसको बेटर तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को बेटर तरीके से गेज करना है अगर तो उसमें सीरियल इंटरवल आपकी हेल्प करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एक बार थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ग्राफिक के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फेक्टर है और एक इन्फेक्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वायरस था लेटेंट था, पहले इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स जो थे इन्फेक्शन के बाद स्टार्ट होने शुरू हो गए इस पॉइंट पर। और ये सिम्टम्स कहाँ तक चले? इस पॉइंट तक चले। अब ये इन्फेक्टी इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया और यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स थे यहाँ इस पॉइंट पे शुरू हुए, ठीक है, और वो इस पॉइंट तक चले। यहां पे अगर हम देखें इन्फेक्टर के सिम्टम्स कहां शुरू हुए थे? इस पॉइंट पे। और इन्फेक्टी के सिम्टम्स कहां शुरू हुए? इस पॉइंट पे। ये जो बीच का पीरियड है ना, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन पर्सन ए, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन पर्सन बी, ये जो पीरियड होता है इसको सीरियल इंटरवल कहा जाता है। सो द टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स इन प्राइमरी पेशेंट जो आपके इन्फेक्टर है एंड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द पेशेंट जो कि इन्फेक्टी है, ये जो पीरियड कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है? सीरियल इंटरवल। और इससे आप इफेक्टिवनेस जो है कि कोई भी आप यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। आंसर क्या होगा? बी। नहीं, आंसर मैं आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो सिर्फ तीसरा जो है आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। किसने यूज की थी ये टर्म ये भी पता चल गया, ये टर्म है क्या ये भी पता चल गया और इसका यूज क्या किया जाता है वो भी आपको पता चल गया। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। एट्थ क्वेश्चन जो है लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है। यहाँ पे रिसेंटली अभी ये न्यूज में थी, क्यों थी वो भी देखेंगे, बट पहले LFAR के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहली कहती है द करंट वर्जन ऑफ LFAR वाज डिवाइज्ड वे बैक इन 2002। तो इसका जो सबसे पहले ये रिपोर्ट लाई गई थी ये 2002 में लाई गई थी। इट शुड बी सबमिटेड बाय बैंक ऑडिटर्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो बैंक के ऑडिटर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं। इट एम्स टू हेल्प आइडेंटिफाई फ्रॉड्स एंड एनपीएस इन अ टाइमली मैनर। तो एक निश्चित समय में आपको फ्रॉड्स के बारे में जो बैंकों के अंदर होते हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पता चल जाए उसके ऊपर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है जानकारी देती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक हिंट मैं आपको दे देता हूं इसके अंदर, इसमें जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। अब सोचिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट है इसका जो करंट वर्जन ऑफ LFAR है इसको फर्स्ट टाइम 2002 में डिवाइस किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली RBI ने बैंक्स को कहा है कि आप LFAR दैट इज लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट जो है 2020 से 21 तक इसको जो है इंप्लीमेंट करिए। रिवाइज्ड LFAR भी बनाने के लिए कहा है कि आप इसमें क्या क्या चीजें फोकस पे लाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, क्रेडिट असेसमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देंगे, कंप्लाइंसेस हो रही है नहीं हो रही है, रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। साथ में ही रेड फ्लैग अकाउंट्स जो होते हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की तरफ भी ध्यान देंगे। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये सबमिट करी जाती है ऑडिटर्स के द्वारा बैंक की मैनेजमेंट को और साथ में RBI को, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहां पर नहीं दी जाती, ये इनकरेक्ट हो जाएगा और इससे बैंक के जो फ्रॉड्स होते हैं और NPA जो होते हैं वो नजरों में आ जाते हैं। तो आंसर होगा 1 और 3, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछ रहा है हु चेयर्ड द हाई लेवल टास्क फोर्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन NCR। NCR के अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, उसको कौन चेयर कर रहे हैं? क्या पीके मिश्रा कर रहे हैं, PN हेक्सार कर रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? सोचिए। चलिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। देखिए डी तो वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि CM जो है वो इसको कैसे ऐड करेंगे, CM के पास अपने इतने सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पे पहले तीन ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर PK मिश्रा, वो इस टास्क फोर्स को हेड करने वाले हैं ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करा जा सके NCR रीजन के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बात करता है, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है,
पूछा कि सोमालिया शेयर्स ए बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सोमालिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। अभी हुआ क्या है, सोमालिया के अंदर एक कार्गो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है एट एडन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कैपिटल के अंदर। द सोमालिया सिविल एविएशन अथॉरिटी उसने कंफर्म किया कि इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर विटनेस किया गया, इसी वजह से सोमालिया न्यूज में था और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो क्या कीनिया का बॉर्डर इसे टच करता है, व्हाट अबाउट इथियोपिया, जिबूती, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए मैप पे देखते हैं, तो सोमालिया का बॉर्डर ये आपका होर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेट करता है, अनदर इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे यूपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद है क्वेश्चन बनाना। मैप की बात करी जाए तो होर्न ऑफ अफ्रीका में ये लोकेट करता है। तो सोमालिया का बॉर्डर ये जिबूती से टच हो रहा है, इथियोपिया से हो रहा है और कीनिया से हो रहा है, यहां पे इंडियन ओशन है आपका। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि तीनों ही बॉर्डर टच कर रहे हैं किसके साथ, सोमालिया के साथ। ध्यान रखिएगा मैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। दो मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे और विनर ऑफ द डे के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बीम्स प्रोग्राम के बारे में देखा था, बीचेस को लेकर है क्योंकि यहां पे 8 हमारी बीचेस ऐसी हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रेकमेंड करी गई थी, तो इस वजह से बीम्स इको लेबल जो है हमारी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अपनी तरफ से स्टार्ट किया है ताकि बीचेस की तरफ हम ध्यान दे सके। बीम्स का मतलब है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि फार्मर्स बिल के बारे में है। तो यहाँ पे फार्म सर्विस बिल के बारे में जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिस्क जो है वो स्पॉन्सर्स की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर इनपुट्स दिए जाएंगे फार्मर्स को और मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी, फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होने वाला है। इस लिंक को, पीआईबी के लिंक को आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनएचआरसी के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और यहाँ पे चेयरपर्सन जो होते हैं इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं और जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस के होते हैं एंड देन होम मिनिस्टर होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट गिलगित बल्तिस्तान रीजन। तो यहाँ पे सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इसके ऊपर से होके जा रहा है, इसलिए हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है कहीं ना कहीं उसको ये हर्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, इस वजह से हमने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई है। यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी के बारे में बताया गया था, 7000 मीटर से ज्यादा की जो पीक्स है और 8000 से ज्यादा की 5 पीक्स यहाँ पे लोकेट करती हैं और यहाँ पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स, लोकेशन आप देख लीजिए इसकी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था एयर बबल के बारे में, तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। तो काफी सारी कंट्रीज जो है वो आगे आई हैं, अराउंड 13 कंट्रीज जो है वो आ चुकी हैं और इसको फाइनलाइज करने की कोशिश कर रही है ताकि कमर्शियल फ्लाइट्स जो है लिमिटेड एरियाज के अंदर, कंट्रीज के अंदर चलाई जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था यूएन की रिपोर्ट के बारे में, 24 मिलियन अफेक्ट होंगे, ड्रॉप आउट होंगे कोविड 19 की वजह से, और एनएसओ का डेटा देखा था जो कि कंप्यूटर पोजीशन को लेकर था, 15 टू 29 इयर्स के जो यहाँ पे लोग हैं 24% रूरल एरियाज में और 56% अर्बन एरियाज में, दे नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था सीरियल इंटरवल के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कौन सा ये एक गैप होता है, तो ये ऑनसेट ऑफ द कोविड 19 सिम्टम्स जब एक पर्सन में स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे वो खत्म होकर दूसरे पर्सन में स्टार्ट होते हैं, वो जो बीच का पीरियड रहता है वो आपका सीरियल इंटरवल रहता है। चाइना ने इसी को यूज करते हुए अपने केसेस को कम किया है और ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी थी ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल्स ने यूज करी थी फर्स्ट टाइम जब हेपेटाइटिस एपिडेमिक हुआ था 1942 के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आरबीआई और बैंक मैनेजमेंट को ये सबमिट करनी होती है, एनपीएस इससे रोके जा सकते हैं, फ्रॉड्स वगैरह का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। अभी रिसेंटली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के मैनेजमेंट्स को कहा है कि आप ये जो रिपोर्ट है एलएफईआर की 2020-21 के लिए दीजिए और कुछ एरियाज जो है बताएं कि रेड फ्लैग अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, कहाँ पे आपको कंप्लाइंस और रेगुलेशन करना है उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। फिर हमने देखा था हाई लेवल टास्क फोर्स के बारे में एनसीआर के अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो ये पीके मिश्रा जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन वो इनको चेयर करने वाले हैं। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था जो कि सोमालिया को लेकर था कि कौन कौन सी कंट्री से सोमालिया का बॉर्डर टच करता है, तो कीनिया, इथियोपिया, जिबूती, इन तीनों से टच करता है और इंडियन ओशन भी इसकी ईस्टर्न साइड पे है। ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आंसर करने लास्ट टाइम हमने देखा था कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के बारे में, एक लाइन में मुझे बताइएगा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड क्या होता है, और जो विनर है उनको देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर सिकंदर ने किया है, सो सिकंदर आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि जो आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो भी आपने स्कोर किया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इवन जीरो भी स्कोर किया तो लिखिएगा उसे और दोबारा से अटेम्प्ट करके उस जीरो को एडिट करके 10 कर दीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 ही आना चाहिए।
कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर वीडियो की जो PDF है वो भी आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।